इस मामले में जब होर्डिंग्स लगाने वालों ने नहीं की तो फिर निगम ने कटरा ली। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया और इसमें छत्तीसगढ़ से आने वाले पहली बार के सांसद तोखन साहू को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से पहली बार तोखन साहू सांसद बने हैं और अमित शाह फिर से गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। तो तोखन साहू पहली बार के सांसद हैं, राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तोखन साहू पहली बार सांसद बने हैं और छत्तीसगढ़ से एकमात्र ऐसे सांसद। हालांकि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया, लेकिन यहां से एक ही व्यक्ति को फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नाम है तोखन साहू और उन्हें जो जिम्मेदारी है वो आज मिल चुकी है। इसके अलावा अमित शाह एक बार फिर से गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालते नजर आएंगे। और विभागों के बंटवारे के बाद शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ चुके हैं। थोड़ी देर में पहली बैठक शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं, बैठक बुला ली है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। कृषि मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की अहम बैठक लेने वाले हैं कुछ ही देर में। अहम जिम्मेदारी उन्हें मिली है और ऐसे में जिम्मेदारी का निर्वहन शुरुआत से ही करने के मूड में और पहले से ही तेज अंदाज में नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बैठक बुला ली, अपने विभाग के अफसरों को तलब कर लिया है। एमपी भवन में विभाग के प्रमुख अधिकारियों को बुला लिया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। एक्शन में नजर आ रहे हैं, जैसे ही विभाग मिला वैसे ही कामकाज शुरू कर देना है और कुछ ही देर में इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान पहली बैठक लेंगे। वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार जो है बहुत उम्मीदें हैं कृषि मंत्री से और कृषि मंत्री को बहुत काम भी करना है, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन में नजर आ गए हैं। विभाग का बंटवारा हुआ और मंत्रालय में जाएंगे, कामकाज संभालेंगे, लेकिन उसके पहले अधिकारियों से समझेंगे अभी तक क्या हुआ, कैसा काम करना है, आगे क्या रोडमैप है, प्रधानमंत्री का विजन क्या है, सारी चीजें जो है संसूचित कर दी जाएंगे। अशरफ काजमी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अशरफ, विभाग में जाएंगे, कुर्सी संभालेंगे, लेकिन पहले अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे, शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, देखिए यही शिवराज सिंह चौहान करने का काम का तरीका है। उन्होंने जब मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में जो कृषि की ग्रोथ रेट है वो बहुत ऊपर कर दिया था, तो वो यही वजह थी कि वो चीजों को बारीकियों से समझते हैं। अब जाकर वो यहाँ पे, क्योंकि अभी तक वो मध्य प्रदेश से, अब या दिल्ली में देश का क्या कृषि का स्तर है वो पहले अधिकारियों से समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और जैसा प्रधानमंत्री ने 100 दिन का उनको कार्य योजना का अपना तैयार करने को कहा है, तो उसी दिशा में उस पर भी चर्चा करेंगे कि हमने ये लक्ष्य रखना है और इसको 100 दिन में पूरा करना है, उसमें कैसे पूरा कर सकते हैं। तो एक तरह से वो पूरा अधिकारियों से बैठ के चर्चा भी करेंगे और अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लेंगे। तो आप मान के चलिए कि शिवराज सिंह चौहान पहले दिन से ही फुल फॉर्म में काम करेंगे, ये बिल्कुल एहसास नहीं होने देंगे कि यहाँ पर कि वो दिल्ली में कृषि मंत्रालय में नए हैं, तो उस चीज को वो एक अपनी परिपक्वता के साथ काम करेंगे और इस चीज को साबित करने के लिए वो पहले अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और कहाँ क्या कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, 100 दिन का जो कार्य योजना तैयार की गई है वो कैसे क्रियान्वित होगी, ये सब बातें अधिकारियों से चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद वो मंत्रालय का जिम्मा भी संभालेंगे यानी चार्ज लेंगे। जी, न थका हूं न रुका हूं, जैसे ही जिम्मेदारी मिली काम में जुटा हूं, ये शिवराज सिंह चौहान मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ, अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट लेने वाले हैं, बहुत अहम जिम्मेदारी वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार में उनको है, क्योंकि कृषि मंत्रालय से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आय को दोगुना करने का काम करना है। बिल्कुल, देखिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास है, तो इनके पास बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामीण विकास, जितना भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, पेयजल योजना हो,
जितने भी हैं वो सब ग्रामीण विकास के अंदर ही आते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ कृषि मंत्रालय, तो इनके पास किसानों की आय दोगुनी करनी है, उनकी जो कृषि में लागत है उसको कम करना है, ये तमाम जिम्मेदारी रहेंगी। तो इसको कैसे लक्ष्य को पूरा किया जाए, ये सब चीजें भी वो आज अधिकारियों से बैठ के चर्चा कर लेंगे और अपना उनका क्या विजन है, जो विजन प्रधानमंत्री ने उनको दिया है उस पे कैसे काम करना है, ये सब भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चर्चाएं होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर लौटे, कल दिल्ली में थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, रायपुर लौटे, पत्रकारों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति को शामिल करने पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि पहले भी तो इतना ही मिला था। मुख्यमंत्री ने तोखन साहू के राज्य मंत्री बनने पर बधाई दी, पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। प्रदेश में मंत्रिमंडल में अब क्या बदलाव होगा, कारण ये बृजमोहन अग्रवाल अब पहुंच गए हैं संसद, सांसद बन गए हैं रायपुर से, और ऐसे में मंत्री भी थे, अब उनको जो मंत्री मंडल में स्थान था या उनका उनकी विधायकी जो है उनको सीट खाली करनी पड़ेगी, तो मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। मंत्रिमंडल में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा, पत्रकारों से इंतजार कीजिए। सांसद श्री तोखन साहू जी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया है, इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभारी। इंतजार करिए, हो जाएगा। सर कांग्रेस कह रही है कि 10 सीटें आई छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक राज्य मंत्री ही बने, बार बार ऐसा ही होता है, आपको भी लगता है क्या कि और तवज्जो मिलना चाहिए? सवाल करेगा। अब हर बार तो ऐसे ही हुआ है, तो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि ये कहा कि हर बार तो ऐसा ही हुआ है। केंद्र में मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई, यह आरोप कांग्रेस भी लगाने लगी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी को पीएम बनाने में छत्तीसगढ़ की जनता का बड़ा योगदान है। 11 में से 10 सांसद आपको जिता के दिए हैं बीजेपी को, छत्तीसगढ़ से कम 2 कैबिनेट मंत्री तो बनाए जाते, लेकिन सिर्फ एक बनाया गया, वो भी राज्य मंत्री, और ये छलावा नहीं तो क्या? दूसरा सिर्फ एक व्यक्ति को लिया है, यहाँ बीजेपी को बम्फर जनादेश मिला है छत्तीसगढ़ में, तो कम से कम 2-3 मंत्री तो बनाना ही चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार में थे, बेचारे देखते रह गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही, हम लोकसभा में 10 सीट हारे हैं, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस पिछले समय से बेहतर रहा है, ज़्यादा वोट हमको मिले हैं। तो क्या कारण है सीटें कम मिलने का, इस पे चर्चा करेंगे, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अभी मजबूत हैं और सब मिलकर मेहनत आगे करेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार में, मोदी कैबिनेट के गठन में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने 90% से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिता के वहाँ भेजा है। यदि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का बड़ा इसमें योगदान है। अब छत्तीसगढ़ के चुने गए सांसदों को इस प्रकार से उपेक्षित किया जाना बेहद ही निंदनीय है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री का तो अधिकार छत्तीसगढ़ का बनता था, लेकिन एक राज्य मंत्री का झुंझुना पकड़ा दिया गया, बेहद ही अत्याचार किया गया है छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता की भी। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है तो इस पर बीजेपी कर रही है पलटवार। कैसे कर रही है पलटवार? बीजेपी के विधायक मोतीलाल साहू कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने गिरेबा में झांक लेना चाहिए। एक वक्त में कांग्रेस ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाने वाली थी, लेकिन ऐसा किया नहीं, और इसीलिए कांग्रेस के सवालों को वो महत्व ही नहीं देना चाहते। बृजमोहन अग्रवाल के पर कतरने वाले बयान पर भी बीजेपी जवाब दी। माननीय श्री तोखन साहू जी को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कल शपथ लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और छत्तीसगढ़ में खुशी का वातावरण है, माहौल है, समाज में भी खुशी है, स्वाभाविक है। कोई घर का सदस्य, किसी समाज का सदस्य आगे बढ़ता है तो सबको खुशी होता है, और इस विषय को लेकर के
छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों में खुशी है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 2018 के चुनाव में ताम्रध्वज जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ढाई ढाई साल का भी इनका वादा रहा और बातचीत चर्चा का विषय रहा आम जनमानस में, लेकिन उन्होंने किसी भी वादा को पूरा नहीं किया, जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। तो इनकी बात का कोई जवाब नहीं है, इनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, उसी के अंतर उन्हें भी लड़ाया गया है। और बाकी इस तरह की जो बात करते हैं, विपरीत टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के लोग, मैंने कहा है कि उनके पास कोई काम बचा नहीं है, वो खाली बैठे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इधर कांग्रेस में साहू समाज को संगठन में शीर्ष पद देने की मांग धनेंद्र साहू ने कर दी है। एक प्रकार से उनका इशारा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ है। धनेंद्र साहू ये कह रहे हैं कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस को साहू समाज का समर्थन हासिल हुआ था। हालांकि उन्होंने माना कि पीसीसी में जल्द बदलाव नहीं होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था पार्टी के द्वारा, तो काफी बड़े पैमाने में उस विधानसभा चुनाव में साहू समाज का वोट पार्टी हमारे कांग्रेस की ओर आया था। वैसे ही ताम्रध्वज जी के समय में भी जब वो चुनाव लड़े तो इस आशा के साथ कि वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, बड़े पैमाने में बदलाव हुआ था। तो आज भी यदि कांग्रेस इस तरह से साहू समाज को बड़े पद में संगठन में दिया जाता है जिम्मेदारी, तो निश्चित तौर पर समाज उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे लोग, समाज के लोग, और पार्टी को ही कांग्रेस को उससे फायदा पहुंच सकेगा। और बड़ी खबर की बात करेंगे रीवा से। बड़ी